हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फायर फाइटिंग इंजीनियरिंग। इस फील्ड की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए और जो भी व्यूवर्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएस पाइप और जीआई पाइप के बीच में जो डिफरेंस होता है उसके बारे में, साथ ही साथ हम बात करेंगे इनकी क्वालिटीज़ के बारे में। क्वालिटीज़ जैसे प्राइस हो गया, उसके डिफरेंट पाइप के एप्लीकेशंस हो गए, उनकी स्ट्रेंथ में कंपैरिजन, उनकी ड्यूरेबिलिटी में कंपैरिजन, साथ ही साथ उनमें किस मटेरियल की कोटिंग की जाती है उसके बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। अभी जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा सी क्लास का जीआई पाइप है जो कि हमारे फायर फाइटिंग सिस्टम में यूज़ होता है। हम इस वीडियो में जो कंपैरिजन करेंगे एमएस पाइप से, ए बी सी तीनों क्लास के जीआई पाइप का हम कंपैरिजन करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इनका क्यों यूज़ किया जाता है और कहाँ पे किसको प्रायोरिटी दी जाती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी जो पहली क्वालिटी है प्राइस के बारे में क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। प्राइस में अगर हम कंपैरिजन देखते हैं तो एमएस पाइप और जीआई पाइप का जो बी क्लास का पाइप होता है और एमएस का पाइप, इन दोनों का प्राइस लगभग बराबर होता है, इसलिए हम फायर फाइटिंग सिस्टम में कभी कभी एमएस पाइप भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर हम सी क्लास से कंपैरिजन करेंगे तो सी क्लास का प्राइस एमएस पाइप से ज़्यादा होता है। और अगर बात करें ए क्लास जीआई पाइप की तो ए क्लास का जो जीआई पाइप होता है वो एमएस पाइप से सस्ता होता है। तो ओवरऑल जो एमएस का पाइप होता है वो जीआई पाइप के जो बी क्लास का पाइप होता है उसका और इसका रेट लगभग सिमिलर होता है, क्योंकि सी क्लास का पाइप थोड़ा हैवी होता है इसलिए उसका रेट एमएस पाइप के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है। अब अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की, तो जहाँ पे एमएस पाइप का यूज़ होता है वहाँ पे जीआई पाइप का भी यूज़ होता है, लेकिन कुछ क्वालिटी ऐसी होती है एमएस पाइप के अंदर इसलिए हम एमएस पाइप को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब हम आयरन को प्रेफर करना लगभग हमने थोड़ा सा कम कर दिया है। एमएस पाइप और जीआई पाइप को फायर फाइटिंग सिस्टम में भी यूज़ करते हैं, प्लम्बिंग सिस्टम में, एचवीएसी सिस्टम में भी हम दोनों का यूज़ करते हैं। अगर हम एमएस पाइप को ओपन इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं तो इस पर हमको कोटिंग करनी पड़ती है, जबकि जीआई पाइप पे ऑलरेडी जिंक की कोटिंग की हुई रहती है। अब अगर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ के मामले में जो हमारा सी क्लास का जीआई पाइप होता है उसकी स्ट्रेंथ एमएस पाइप से ज़्यादा होती है, और अगर बी क्लास से कंपैरिजन करें, बी क्लास का जो हमारा जीआई का पाइप होता है उसका स्ट्रेंथ और एमएस पाइप की स्ट्रेंथ लगभग बराबर होती है, इसलिए हम अगर बी क्लास का जीआई पाइप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम एमएस पाइप का भी यूज़ कर सकते हैं। एमएस पाइप में कार्बन कंटेंट थोड़ा कम होता है इसलिए इसको हम मोड़ भी सकते हैं, और ये जीआई के कंपैरिजन में थोड़ा सा सॉफ्ट भी होता है। अब अगर हम बात करें ड्यूरेबिलिटी की कि कौन लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो दोनों पाइप में जो लॉन्ग लास्टिंग होता है वो हमारा जीआई पाइप का जो सी क्लास का पाइप होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, क्योंकि इस पर हमारी जिंक की कोटिंग की होती है, जिंक की कोटिंग से ये रस्ट से बचा रहता है, रस्ट के साथ साथ ये क्रोजन से भी सेफ रहता है। और अगर बी क्लास के जीआई पाइप का कंपेरिजन करते हैं एमएस पाइप से तो इनकी क्वालिटी लगभग सेम ही रहती है। ड्यूरेबिलिटी अगर जीआई पाइप की बात करते हैं तो ए क्लास का जो जीआई पाइप होता है उसकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है, उसके बाद जो बी क्लास का होता है उसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, वो लगभग एमएस पाइप के बराबर होती है, और जो सी क्लास का हमारा जीआई पाइप होता है उसकी ड्यूरेबिलिटी सबसे ज़्यादा मानी जाती है। आयरन पाइप पर जिंक की कोटिंग की जाती है जिससे ये पाइप जंग लगने से बची रहती है, इस प्रोसेस को हम हॉट डिपिंग भी कहते हैं, ये बस केवल जीआई पाइप पर ही होती है। जीआई पाइप का मोस्टली यूज़ हम वाटर पाइपलाइन में ही करते हैं। अब बात कर लेते हैं कोटिंग की, किस तरह का कोटिंग किया जाता है दोनों पाइपों पे। कोटिंग का जैसा कि मैंने बताया कुछ स्टील पाइप पर भी कोटिंग की जाती है, अगर उसको हम खुले इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं तो उस पर जंग से बचाने के लिए उस पर कोटिंग की जाती है, एमएस पाइप की बात कर रहे हैं अभी हम। और जो आयरन का पाइप होता है वो जीआई पाइप, उस पर तो कोटिंग कंपलसरी रहती है, उस पर जिंक की कोटिंग करते हैं जिसको हॉट डिपिंग भी कहते हैं। कुछ और क्वालिटीज़ होती हैं एमएस पाइप और जीआई पाइप की, उसके बारे में बात कर लेते हैं।
एमएस पाइप जो और जीआई पाइप दोनों जो पाइप होते हैं वो वेल्डिंग करने के लिए आसान होते हैं। दोनों पाइपों पर इजीली हम वेल्डिंग कर सकते हैं। एमएस पाइप को माइल्ड स्टील पाइप भी कहते हैं। एमएस पाइप स्टील की पाइप में सबसे सस्ती और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली पाइप होती है। इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, इसलिए यह कम हार्ड होती है और इसे यूज़ करना भी आसान होता है। इसका इस्तेमाल हम प्लम्बिंग में, फायर फाइटिंग सिस्टम में, एचवीएसी में और डिफरेंट इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल एरियाज़ में भी करते हैं। और आजकल हम स्टील पाइप का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों पाइप लगभग एक ही जैसे दिखती हैं, लेकिन रियलिटी में इनका वेट, इनकी कैपेसिटी, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, ये सब अलग-अलग होते हैं, जैसा कि मैं अभी इस वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।